है उसी तरह का भेष बनाकर नरेंद्र कुमार मोदी नरेंद्र मोदी देश प्रशासन लेना देना है, न भुखमरी से कोई लेना देना है, न मंदिर से भी तो रोजगार जी। नमस्कार, मैं अरविंद कुमार, आप देख रहे हैं अरविंद टाइम्स। चल रहा है, एक तरफ रोजगार बढ़ रहा है तो दूसरी तरफ राम मंदिर के निर्माण का बात चल रहा है। जो राम भक्त है उन लोग कह रहे हैं कि हम ही लोग राम को लाए हैं, क्या इस पर क्या आपकी प्रतिक्रिया है? पहले बेरोजगारी पर सुन लीजिए हमसे। बेरोजगारी दूर करने में नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं इनका कोई जवाब नहीं है जी। करीब करीब 2 लाख के आसपास इन्होंने शिक्षक और शिक्षिकाओं का को बहाल किया है। 2,12,000 और बताइए, एक मुश्त बिना किसी घूस रुस्वत। लोग कहता था कि बिहार में घूस चल रहा है, उन्होंने गांधी मैदान में सारा टीचर लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर बांटा है और बाद बाकी कलेक्टर के निर्देश में हर जिला में बांटा है। तो वो शिक्षक जब समाज में जाएंगे तो सीना ठोक कर कहेंगे कि नीतीश कुमार के राज में घूस नहीं चलता है। दूसरी बात, आपने मंदिर का मुद्दा उठाया, नीतीश कुमार ने जो लड़कियों को औरतों को आरक्षण दिया 37%, जाकर देखिए कि हर ऑफिस में, चाहे पुलिस ऑफिस हो, सड़क पर सिपाही के रूप में हो, DSP के रूप में हो, दरोगा के रूप में हो, हर जगह जिस औरत को लोग घर में बाकस में बंद करके रखते थे उस सड़क पर शान से चल रही है और बता रही है कि भारत के हम भी हर मामले के हिस्सेदार हैं। दूसरी बात, अच्छा, ये तो नागरिक सशक्तिकरण की बात हुई, लेकिन दूसरा नंबर बात है कि जो एक तरफ वो बेरोजगारी है। अब हम जा रहे हैं ये मंदिर के मुद्दा पर। भारत का देश जैसा लोग है, भारत का जैसा लोग है उसी तरह का भेष बनाकर नरेंद्र मोदी देश प्रशासन कर रहा है, जिस तरह के यहाँ के लोग हैं। जबकि मंदिर से न बेरोजगारी से कोई लेना देना है, न भुखमरी से कोई लेना देना है, मंदिर से भी तो रोजगार मिलेगा, देश के प्रगति से मंदिर से रोजगार मिलेगा, मंदिर से रोजगार मिलेगा केवल पंडितों को, केवल मैंने उन लोगों को जो रूढ़िवादी हिंदूवाद को आगे बढ़ाना चाहते हैं, वरना पिछड़ा अति पिछड़ा की कोई गुंजाइश नहीं हो। भावना में बह कर जाएंगे और खर्चा करके जाएंगे, अपना पैसा वहाँ दान कर देंगे, वो दान का पैसा फिर बड़े पूंजीपति पंडित को आप टारगेट कर रहे हैं, लेकिन पंडित के सिवा जो रेस्टोरेंट बड़े बड़े वहाँ पे लोगों को ठहरने के जगह मिल रहे हैं तो वहाँ पे अदर लोग भी काम कर सकते हैं, मैनेजर के पद पे दूसरा लोग भी रह सकते हैं, सब लोग काम करेंगे। लेकिन ये तो मामला रहेगा 1 महीना से 15-20 दिन तक, उसके बाद पुनः वह वीरान हो जाएगा, फिर साल में 1-2 बार लोग वहाँ जाना आना शुरू करेंगे। मैं तो कहूँगा कि हर प्रदेश में राम मुद्दा को उठाया जाए ताकि सब लोगों की इच्छा पूर्ति हुआ। इसको राजनीति कलर देकर वोट लेने की जो राजनीति की जा रही है बिल्कुल ही गलत बात। अच्छा, BJP तो कह रही है कि एक तरफ RJD जदयू को दिक्कत हो रहा है कि राम मंदिर बन रहा है, इन लोग राम को नहीं लाना चाहते थे, हम लोग राम के लाए, इस पे क्या कहिएगा? तो राम के लाने का मतलब, राम तो थे ही यहां तो मतलब कि हर दिल में उरचित और बसित है राम, वो लाए कहाँ हैं? वो तो यहाँ के माने हर ग्रंथों में राम की चर्चा की गई है। हर गांव में जाइए, हर शहर के हर चौक चौराहे पर जाइए, राम मंदिर मिलेगा, शिव मंदिर मिलेगा, ये सब कुछ, हनुमान मंदिर मिलेगा, ये तो बहुत पहले चल रहा है। उसको रंग रोगन देकर नरेंद्र मोदी रंग रोगन देकर वो चाहते हैं कि हम इसके हकदार हैं, ये गलत बात है। अच्छा, आपके कहने का अर्थ है कि यह राजनीतिक मुद्दा दिया जा रहा है? हाँ, ये राजनीतिक मुद्दा दिया जा रहा है और लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी तो बोल रहे हैं कि जहां मंदिर बनता है वहां खुशहाली होती है, तो खुशहाली को देखकर RJD जदयू को क्या दिक्कत है? दिक्कत कुछ नहीं है, वो कह के लोग गुमराह कर रहे हैं। यहां भी तो गरीबनाथ का मंदिर है मुजफ्फरपुर में, जी। वहां भी तो लोगों को बहुत रोजगार मिलता है। जहां मंदिर, हमारे गाँव में भी मंदिर है, 13 के दिन चैत मास में 6-7 दिन का मेला लगता है और हजारों दुकानें रहती है, सब लोग कमाते खाते हैं, चलते रहते हैं। अच्छा, जो रोजगार मिल रही है बिहार सरकार दे रही है, इस पे BJP का कहना है कि वो लोग खाली राजनीतिक मुद्दा करते हैं, ये लोग दिखावा है, सब कुछ नहीं हो रहा है, बिहार बर्बाद हो गया। ये तो उनसे जाकर पूछिए, सिर फिरे लोग हैं। जिस घर में एक शिक्षक की बहाली हुई है, जाकर उस घर की खुशहाली देखिए। घर में जो बेरोजगार लड़का था, जाकर देखिए उसके शादी ब्याह की बात चल रही है, 10 आदमी खा पी रहे हैं, खुशहाली की बात है। ये कहाँ का ये नौटंकीबाजी वाला नरेंद्र मोदी चाहे उनकी पार्टी के लोग बात कर रहे हैं। आप लोग रोजगार का बात करते रहिएगा, उसके बाद BJP जीत के भाग जाएगी। वो लोगों को माइंड सेट करता है, ये नहीं जानते हैं आप लोग?
हम जान रहे हैं इस बात को, जीत के लोग भाग के कहाँ जाएगा, एकदम जनता के पकड़ में आ ही जाएगा। देख लीजिएगा कि धर्म के नाम पर, अच्छा चुनावे का समय था, पार्लियामेंट के चुनाव मुंह पर है, धर्म धर्म की बात होने लगी। इस बात को तो उनको 2-4 वर्ष पहले करना चाहिए था, तभी तो बिल्कुल जनता को गुमराह करने का काम। एक शंकराचार्य जो है मुक्तेश्वर नंद जो वो कहे हैं कि मंदिर को अधूरा है उसको पूरा करके ही उसका उद्घाटन करना चाहिए, उनका शिलान्यास करना चाहिए, लेकिन इस पे क्या कहिएगा? वो बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, इसलिए पहले ही किया जा रहा है कि माथे पर पार्लियामेंट का चुनाव है। राम जी का जो महोत्सव मनाया जाता है उसका भी 2-3-4 महीना है, उस समय मनाया जाता है, उससे पहले क्यों मना रहे हैं? इसलिए वोट की राजनीति कर रहे हैं कि राम हमारे थे, इसलिए आप लोग, हम राम के बड़का भक्त हैं। राम तो बीजेपी का ही है, आप लोगों का है कहाँ? है कहाँ, हम लोग भी तो राम को मानते हैं, राम की पूजा करते हैं।